समस्या का समाधान करने जा रही हूँ। आज हमारे बच्चे बहुत कॉम्पिटेटिव हैं, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव हैं, बहुत प्रेशर में हैं, उनको पढ़ना है, बहुत अच्छी जॉब चाहिए और आज के कॉम्पिटेटिव स्टेटस में वो इतनी मेहनत कर रहे हैं कि मेहनत करते करते उनको खुद ही पता नहीं चलता कि उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कितना डाउन हो गया है। आज मैं आपका मार्गदर्शन करने जा रही हूँ कि आपके बच्चे या आप, अगर आप भी किसी जॉब में हैं, इस कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में मूव करते हैं, या आपका जॉब इतने प्रेशर का है, या आपको ऐसा लगता है बहुत मेहनत करते हैं, बहुत लेबर करते हैं और सामने वाला पर्सनालिटी आपको वैल्यू नहीं करता, आपको वेटेज नहीं देता और आपका दिन प्रतिदिन आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, तो इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे उपाय आपको बताने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे जारी करूं, आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और अगर आपने मेरे इस चैनल को एस्ट्रो मानवी जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपका मार्गदर्शन करती रहूं और आपको इतनी अच्छी अच्छी एडवाइसेस दूं कि आपको अपना लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस होने लगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम इतने ओवर प्रेशराइज्ड हो जाते हैं, इतने ओवर बर्डेड हो जाते हैं कि वाकई हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में कोई कमी है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हर समय हमारे सिर में दर्द है। हमें ऐसा लगने लगता है कि सामने वाला बंदा, सामने वाली पर्सनैलिटी हमें वैल्यू नहीं कर रही, या हमें कई बार ऐसा लगता है कि कहीं कुछ नेगेटिव है, या मैं सोसाइटी में, या मैं अपने प्रोफेशनल अफेयर्स में, या मैं अपने किसी भी ऐसे सोशल ग्रुप में, या मैं अपने फ्रेंड्स को, या मैं अपने प्रोफेशनल स्टेटस को, या मैं अपने बॉस को, या मैं अपनी कुलीग्स को इम्प्रेस नहीं कर पा रहा, या मुझे उस हिसाब से नहीं समझा जा रहा जिस हिसाब से मैं दूसरों को अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। कई बार आपके टारगेट्स रिलेटेड जॉब है, आपके टारगेट्स नहीं पूरे हुए तो आपका मन घबराने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है तो आपको ऐसा लगता है कि शायद आप में वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है। कई बार आप एंट्रेंस एग्जाम को कवर करना होता है तो आपको लगता है शायद आप नहीं कर पाओगे। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स के चलते हमें पता ही नहीं चलता कि हम कब माइग्रेन के शिकार हो जाते, हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा हेडेक कब इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें सिर पकड़ कर बैठना पड़ता है और हम ऑफिस से छुट्टियां लेनी शुरू कर देते हैं। हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम कब ऑफिस जाने से कतराने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी सोसाइटी में, अपने सर्कल में, अपने फ्रेंड सर्कल में जाने से भी कतराने लगते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम कमरा बंद करके घंटों सोते हैं, यानी कि हम सिचुएशन को अवॉइड करते हैं कि हमें उन चीजों को फेस ना करना। या ऐसा भी कई बार होता है कि हम गुस्से में कई बार कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता, हमारे अंदर की इरिटेशन होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा स्टमक डिसऑर्डर हो जाता है बिकॉज हम अंडर कॉन्फिडेंस में या तो ज्यादा खाते हैं या हम कई बार खाना ही बंद कर देते हैं। यानी कि आपका जो प्रेशर है या आपकी बॉडी की जो मेंटल एंड बॉडी का जो फिजिकल स्टेटस है वो आपको इतना ज्यादा कमजोर करता जा रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आपको करना क्या। मैं एक बहुत छोटा सा एक उपाय, एक छोटी सी प्रैक्टिस आपको बताने जा रही हूँ। आपको बस उस प्रैक्टिस को करना है और हर कमी को, हर प्रॉब्लम को, हर समस्या को आपने भूल जाना है। ये उपाय, ये प्रैक्टिस आपकी बॉडी के इंटरनल ब्लॉकेज को भी खोलेगी। आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी रात की दवाइयां, जिसको आप बोलते हैं कि नींद की गोली खाकर सोते हैं, हम डिप्रेशन की गोली खाकर सोते हैं, ये आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी। आपको ऐसा लगता है कि आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है तो आपका माइग्रेन भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आपकी आंखें अब बहुत थक गई हैं, बहुत कमजोर हो गई हैं, आंखों में दर्द होना शुरू हो गया है, आपकी इस समस्या का समाधान भी आपको मिलेगा। आपको ऐसा लगता है कि चेहरे की रौनक खत्म हो गई है तो आपको कुछ ही दिनों में चेहरे की रौनक वापस मिलने लगेगी।
आपको अगर ऐसा लगने लगा है कि आपको अब बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो उसका इलाज भी आपको इसी उपाय में मिलेगा। आपको सिर्फ ये उपाय करना है, और इस उपाय को करने के बाद इस उपाय को जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। ये उपाय ना तो किसी किताब में मिलेगा, ना ही आपने इस उपाय को आज तक कभी सुना होगा। ये उपाय आपकी ऑरा को भी क्लीन करेगा, आपकी मेंटल पावर्स को भी बढ़ाएगा, आपको तीसरी आंख जिसको बोलते हैं थर्ड विजन, आपका जो इंट्यूशन स्टेटस है उसको भी बढ़ाएगा। आपको महसूस होने लगेगा कि आने वाले समय का ज्ञान आपको मिलने लगा है। आपको कुछ नहीं करना, छोटा सा ये प्रयास करना है। मॉर्निंग में जब आप उठते हैं, सबसे पहले आपने 5 से 10 मिनट सूर्य के सामने खड़े होना है। इसमें नहाने धोने का कोई भी नियम नहीं है। आप चाय पी सकते हैं, आप फ्रेश होकर कुल्ला करके पानी पीकर चाय पीकर आप सूर्य के सामने जब सनराइज होता है खड़े होने की आदत डाल लीजिए, जस्ट फॉर गेटिंग सम पॉजिटिव वाइब्स। आप नमस्कार कीजिए सूर्य को। मैं यहाँ सूर्य नमस्कार करने की कोई बात नहीं कर रही, अगर आप ऐसा करते हैं तो सोने के सुहागा, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप सूर्य के सामने खड़े होकर सूर्य की बहुत पॉजिटिव वेव्स को लीजिए, अब्सॉर्ब कीजिए, महसूस कीजिए कि सूर्य की किरणें आपकी सारी बॉडी को बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रही। आप आंखें बंद करके उन सन की रोशनी को, किरणों को अपनी बॉडी पर आने दीजिए, शांत रहिए। इसके बाद आपको क्या करना, जब आप पूजा करने बैठे नहा धोने के बाद, आपने कटोरी में दूध लेना है, 2 या 3 या 4 चम्मच कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध चंद्र को इंडिकेट करता है। जब हम दूध को बॉईल कर लेते हैं तो चंद्र में अग्नि यानी मंगल का समावेश हो जाता है। इसलिए हमेशा कच्चे दूध का प्रयोग करें जब भी आप किसी भी उपाय में दूध का प्रयोग करते हैं। तो आपने कच्चा दूध लेना है, कटोरी में डालिए, आप मंदिर के सामने बैठ जाइए। ये जो आपकी 5 उंगलियां हैं, राइट हैंड साइड की जो उंगलियां हैं, इनके जो टिप हैं, इनके जो अगले पोरे हैं, उंगलियों के टिप्स जो हैं, उसको आपने दूध में भिगो देना है। आपने 5 उंगलियों की पोरों की टिप को दूध में भिगो देना है, और उसको आपने अपने आज्ञा चक्र, देखिए ये हमारे चेहरे का जहां पर लेडीज बिंदी लगाती हैं, जेंट्स तिलक लगाते हैं, इस वाले हिस्से को जहां हम तिलक लगाते हैं, यहां पर आपने उन फिंगर्स से क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है, आपने इस फॉर्म में, इस डायरेक्शन में आपने उसको घुमाना है। 5 से 10 मिनट का अभ्यास आपने शुरू में करना है, और घुमाते घुमाते आपकी आंखें अपने आप ही बंद होनी शुरू हो जाएंगी, और साथ में आपने ओम का उच्चारण करना है, लंबे स्वर में नहीं। आपने दूध में फिंगर्स को भी भिगोना है, टिप को, और इन्हीं फिंगर्स को दूध से भरी हुई टिप को अपने माथे पर क्लॉकवाइज घुमाना है, और ओम 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 का जाप करना है। 5 से 10 मिनट की प्रैक्टिस स्टार्टिंग में कीजिए। धीरे धीरे आप इस प्रैक्टिस को कुछ सेकंड्स के अंतराल में बढ़ाते जाइए। अगर आपकी ये प्रैक्टिस 20 से 25 मिनट की हो जाती है, 15 टू 20 डेज के बीच में, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, मुझे अपने इम्प्रूवमेंट्स बताइए। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको इस उपाय को करते समय ध्यान रखना है कि आपको पोस्चर कौन सा लेना है। आपको हमेशा सुगम जो स्टेटस है उसमें बैठना है, अपने शरीर को कष्ट नहीं देना, बॉडी में कोई भी अकड़ाव नहीं होना चाहिए, और आपका मन शांत हो, आपका सारा कंसंट्रेशन, आपकी आज्ञा चक्र, ये आपकी बॉडी का वो हिस्सा है, दिस वन पार्ट जहां लेडीज बिंदी लगाती है, जो आपके सारी थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है, आपके हर पॉइंट को कमांड करने वाला, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कमांड करने वाला आपका यही हिस्सा है, यही पॉइंट आप में चमत्कार कर सकता है। हमने यहाँ पर दूध से सहायता ली है। दूध जो है चंद्र को इंडिकेट करता है, और आपके मन के भावों को स्ट्रॉन्ग करने का काम भी चंद्रमा ही करता है,
और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये वो पॉइंट है जहां पर सूर्य और चंद्रमा आपस में मिलते हैं। आपकी बाई आंख चंद्रमा और आपकी दाई आंख सूर्य, दोनों का सुगम मेल यहीं पर होता है। तो इस उपाय को कीजिए, कुछ ही दिनों में आपके हाथों से ही चमत्कार होगा। और मैं उम्मीद करूंगी कि आप मुझे अपनी जिंदगी में जो परिवर्तन आया है बिना किसी दवाई को खाए हुए, बिना किसी कंसल्टेंट से मिले हुए, बिना किसी साइकोलॉजिस्ट या साइक्रेटिक से मिले हुए, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ा, मैं इस बात का आंसर सुनने के लिए बेचैन रहूंगी। आपके लिए आगे भी बहुत कुछ ऐसा लेके आऊंगी जो आपकी जिंदगी में बदलाव कर सके। मेरे इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी, जय माता दी।